गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पहले 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज और उसके बाद 80 करोड़ जनता के लिए मुफ्त में अनाज की सुविधा। भाई इतना अधिक देने वाली सरकार पिछले 70 साल में नहीं आई। देती जा रही है। वाह वाह, अरे ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही है सरकार। नहीं तो मास्टर साहब, हमको तो लगने लगा था ना, नोटबंदी, देशबंदी और ये जो अभी जो है ऐप बंदी करके ये सरकार केवल बंद करने वाली सरकार ही बनी जा रही है। एक साथ 59 ऐप पर बैन लगाया है। अकेले टिकटॉक को ही कोई 20 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान में। अरे भाई, अब जंग लड़ने का तरीका बदल गया है, हर फ्रंट खुल चुके हैं। अब सरहद पर ही जंग नहीं लड़ी जाती, हम सब इसमें शामिल हैं, हम सबको कंट्रीब्यूट करना है। तो मास्टर साहब, ये अफवाह बंद करके एकदम सही फैसला ली है सरकार, लेकिन चिंता इस बात की है कि अब टिकटॉक बंद होने से हजारों लाखों खलियर लोग बेरोजगार ना हो जाएंगे हैं? और साथ ही साथ इस दौर का सबसे सस्ता और देसी मनोरंजन के साधन से हमारा ये देश जो है वंचित रह जाएगा। और साथ में जो टिकटॉक स्टार और जो प्रतिभा नई नई निकलती थी, ये सब भी खत्म हो जाएगी। अब तो हमको लगता है कि लोग जो है कोनो गंदी नाली के गैस में कहीं चाय और पकौड़ा ना तलने लगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब बोबड़े साहब की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर बैठे हुई एक फ़ोटो वायरल हो गई और लोग चुटकी ले रहे हैं कि 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मालिक की है। अरे भाई, शौकीन आदमी हैं और डीलर ने अपनी मोटरसाइकिल को दिखाने के लिए उनके सामने रख दिए। इन्होंने भी देख लिया, थोड़ा सा इधर उधर घूम के बैठ गए। चढ़ाई तो है नहीं ना, उनको खरीदनी थी। इतना हंगामा। मास्टर साहब, हमको शक नहीं, पूरा यकीन है कि वो जो जज साहब है ना, वो गाड़ी खरीदने के लिए मंगवाए थे, लेकिन पेट्रोल का जो दिन प्रतिदिन दाम बढ़ रहा है ना, उसको देखकर उनका हिम्मत जो है जवाब दे गया। डेटॉल, सेवलॉन, ये सब 99.9% जर्म्स मारने की बात करते हैं। अब बाबा रामदेव ने 100% क्या बोल दिया, बवाल हो गया। जबकि सच्चाई यही है कि सब के सब झूठ बोलते हैं अपना सामान बेचने के लिए। अरे मास्टर साहब, हम करें तो चोरी और आप करें तो सीना जोरी। अरे अपने भी तो झूठ झूठ बोलते थे कि बेटा पढ़ो, बड़े होके ऐस करोगे। हैं जानते हैं 0.01% वाला जर्म कौन सा है? यह साला कोरोना है, यह पच गया। अरे कोनो दूसरा जन्म बचा होता ना तो इतना टेंशन नहीं हुआ होता। भाई मोहतरमा चंद्रमा हिरेन को हमारी ओर से हजार सलाम। अरे उन्होंने अदालत के जरिए इतना दबाव बनवाया कि फेयर एंड लवली वालों ने अब फेयर लव्स का इस्तेमाल ना करने का फैसला लिया है। अरे कितने ज़माने से मैं पढ़ाता चला आ रहा हूँ कि भाई खाल के रंग से इंसानों को ना पहचानो। पढ़ाते पढ़ाते मेरे बालों का रंग बदल गया। मैं बता रहा हूँ, ये एक इनकलाबी कदम है। काहे का इनकलाबी कदम मास्टर साहब? इनकलाबी कदम तो तब होता जब इसको बनाना ही बंद कर दिया जाता। मास्टर साहब, अभी भी लोग दुकान पे जाके कहेंगे, भैया तनिक बढ़िया गोरा होने वाला क्रीम दे दीजिएगा, अगली महीने हमारी लड़की को ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मास्टर साहब, यह मार्केटिंग का नया तरीका है। अरे सुशील को इतनी मुश्किल से पढ़ा लिखा कर MBA करवाया ताकि कुछ अपना बड़ा नाम करेगा, तो प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर योजना के तहत उधार लेकर चाय और पकौड़े की दुकान खोल रहा था। उसी का फीता काटने आज जा रहा था कि योगी जी ने 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान कर दिया और दुकान का प्लान कैंसिल करके चला गया वो उसमें नाम लिखवाने। इतनी उम्र के बाद पहला तो मौका मिला था फीसी का फीता काटने का, वो भी योगी जी को बर्दाश्त हुआ। अरे मास्टर साहब, 21 लाख करोड़ के बाद 1 करोड़ नौकरी दे रहा है सरकार। यहाँ जनता का न जाने क्या क्या कट गया और आप एक फीता नहीं काटने पर दुखी हो रहे हैं। CISCE ने फैसला ले लिया है कि 10वीं और 12वीं के बचे हुए जो इम्तिहान हैं वो अब नहीं होंगे, बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाएगा।
पेरेंट्स घबराए हुए थे भाई, कोरोना नाम की बवा फैली हुई है, खुदा ना खासा किसी बच्चे को कुछ हो जाए तब। और बच्चे भी बेचारे कब से परेशान हैं, इम्तिहान हो ही नहीं दे रहा, हो के नहीं दे रहा, कब तक पढ़ते रहेंगे। सब लोग खुश हैं अब इससे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सही आप क्या कह रहे हैं मास्टर साहब, अरे हमारा तो सारा प्लानिंग फेल ना हो जाएगा। अरे हम तो सब सेटिंग करके बैठे थे, हम सोचे थे हमारी साली अब की बार बिहार टॉप कर।